Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell about some phrasal verbs. So let's get started. Bring back to return something to its original place or owner. Please bring back all library books by the end of the week. कृपया सप्ताह के अंत तक पुस्तकालय की सभी पुस्तकें वापस लाएं। कैन यू ब्रिंग बैक माई पेंसिल प्लीज़ कृपया आप मेरी पेंसिल वापस ला सकते हैं टेक आउट टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ कंटेनर और अ प्लेस डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज कूड़ा बाहर निकालना न भूले He took out a book from his bag to read. उसने पढ़ने के लिए अपने बैग से किताब निकाली Look for to search for something or someone. Girls looking for something. लड़कियाँ कुछ ढूंढ रही है ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब वह नई नौकरी की तलाश में है कम आउट टू appear फ्रॉम अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स सूरज बादलों के पीछे से निकल आया These animals ओनली कम आउट एट नाइट ये जानवर केवल रात में ही बाहर निकलते हैं स्टैंड आउट टू बी noticeable और टू बी डिफर फ्रॉम अदर्स his हाइट मेक सीम स्टैंड आउट इन द क्राउड उसका कद उसे भीड़ में अलग दिखाती है हार रेड ड्रेस स्टूड आउट इन द क्राउड उसकी लाल पोशाक भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी कम एक्रोस टू मीट और फाइंड समॉन और समथिंग बाई चांस आई केम एक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन दिल्ली दिल्ली में मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई आई केम एक समल्ड लेटर्स वाइल्ड टाइडिंग माई रूम अपने कमरे में सफाई करते समय मुझे कुछ पुराने पत्र मिले होल्ड बैक टू रिस्ट्रेन और टू नॉट रिवील समथिंग सी कूड बेयरली होल्ड बैक हार टीयर्स वह मुश्किल से अपने आंसू रोक सकी शी कुड नॉट होल्ड बैक हार टीयर्स वह अपने आंसू नहीं रोक पाई गो ऑन टू कंटिन्यू द मीटिंग वेंट ऑन फॉर टू आवर्स बैठक दो घंटे तक चली The cricket match still going on. Cricket match abhi bhi chal raha hai. Run out of to use all of something and not have any left. I can't make a cup of tea. We have run out of tea leaves. मैं एक कप चाय नहीं बना सकती हमारे पास चाय की पत्तियाँ खत्म हो गई है वाट्स द वाई फाई पासवर्ड आई रन आउट ऑफ डेटा वाई फाई का पासवर्ड क्या है मेरा डेटा खत्म हो गया है स्प्लिट अप एन एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अ सेपरेशन दे स्प्लिट अप देर रिलेशनशिप ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी के कारण उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया टर्न टू टू गो टू समन और सम थिंग फॉर हेल्थ ही टर्न टू हीज ब्रदर वेन ही लॉस्ट हीज जॉब जब उसकी नौकरी छूट गई तो उसने अपने भाई के ओर रुख किया थैंक यू फॉर वॉचिंग